वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे टैली के अंदर शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो हमारा काम बहुत ही सिंपल कर देते हैं। तो कुछ शॉर्टकट्स कीज़ हैं फ्रेंड्स, जो हम डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा काम काफ़ी हद तक बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे टैली में लेज़र क्रिएट करने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए। अब जैसे हमें कोई भी लेज़र कहीं पर भी मेंटेन करना हो या कोई भी आइटम कहीं पर भी मेंटेन करना हो, हमें करना क्या होता है, वहीं पर जाकर ऑल्ट प्लस सी करना होता है। तो आप यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस सी, तो उससे आप कहीं पर भी कोई भी लेज़र या आइटम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे काम करता है, अब जैसे एक एंट्री करते हैं हम सेल वाउचर में। सपोज़ फ्रेंड्स यहाँ हमें कोई पार्टी ऐड करनी है पार्टी नेम में, हम यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस सी, हम यहीं कहीं रहते हुए पार्टी ऐड अपनी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पार्टी ऐड हो गई। सेकंड, मुझे आइटम ऐड करना है, मेरे पास आइटम कोई न्यू है जो भी नहीं है लिस्ट में, अगेन मैं ऑल्ट सी करूँगा, मैं यहाँ पर आइटम ऐड कर सकता हूँ। तो हम उसी स्क्रीन पर कुछ भी ऐड करना हो, हमें यूज़ करना है ऑल्ट प्लस सी। सेकंड शॉर्टकट होता है फ्रेंड्स, कोई आइटम ऑलरेडी ऐड है या कोई पार्टी ऑलरेडी ऐड है, जैसे ये ऐड है, सपोज़ हमारी पार्टी एक ऐड है, इसी में मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे मॉडिफाई करना है, तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल की और एंटर की हमें साथ में प्रेस करनी है मॉडिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं एंड सेव कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस एंटर मॉडिफिकेशन के लिए। थर्ड शॉर्टकट कीज़ है फ्रेंड्स, जैसे हमें कोई भी एंट्री मैंने एडिट करा, सपोज मैंने एंट्री चेंज करी और मैंने आइटम यहाँ से चेंज करा, कोई आइटम की क्वान्टिटी मैंने 6 कर दी 5 की जगह, अब मुझे इसको सेव करना है। तो दो मेथड हैं सेव करने के, या तो मैं एंटर एंटर यूज़ करूँ अगेन एंड अगेन, या शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए करते ही ये एक ही बार में सेव हो जाएगी एंट्री। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस ए सेव करने के लिए, तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर कोई एंट्री मुझे डिलीट करनी है, तो हमें यूज़ करना है ऑल्ट प्लस डी, तो एंट्री हमारी वहीं के वहीं वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक शॉर्टकट होता है, जैसे मुझे डे बुक ओपन करनी है, आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ भी हमारा एक कर्सर होता है देखिए वहाँ पर ये रेड हो जाता है, जैसे डिस्प्ले में डी रेड है, तो सिर्फ आप डी दबाएंगे आपका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। आपको डे बुक ओपन करनी है, आप अगेन डी दबाएंगे आपकी डे बुक ओपन हो जाएगी। तो ये सब शॉर्टकट कीज़ होती हैं, फर्स्ट लेटर हाईलाइट हो जाता है, ए हो गया, एस हो गया, इस तरह से अगर आप दो बार डी दबाएंगे आपका हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कोई भी एंट्री की शॉर्टकट यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं और हम ओपन कर सकते हैं डे बुक, डबल डी दबाकर हम डे बुक ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।